देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, मिसलिनियस चैप्टर 3। क्वेश्चन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ पे देखो हमें ना पेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि किन पेयर में मैं फॉर्मूला लगाऊँ साइन ए प्लस साइन बी का, जैसे एक्स प्लस 3x में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो देखते हैं। देखो अगर मैं 1 और 7 में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो 1 प्लस 7, क्योंकि जो हमारे साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का, उससे आइडिया लिख लेगा आप। साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2 आता है। अगर मैं x और 7x को लेता हूँ तो x प्लस 7x अपॉन में 2 इज 4x, और सेम ऐसे ही 5 प्लस 3 अपॉन में 2 इज 4x, तो हमारा सेम आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग पेयर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और इन दोनों को एक साथ। अब जब मैं इसको अरेंज करूंगा ना तो कोशिश करूंगा कि जो मेरा पहले वाला एंगल हो वो मेरा बड़ा एंगल हो, जैसे साइन एक्स और साइन 7x है, तो इसके अंदर हम लोग पहले लिख देते हैं साइन 7x को और यहाँ फिर साइन x को, फिर अगला पेयर हो गया हमारा साइन 5x प्लस का साइन 3x। इससे फायदा ये होगा कि हमारा एंगल में ना कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। देखो साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय 2। ठीक है, यह आ गया हमारे पास 2 साइन 7 प्लस 1 8 बाय 2 इज 4x इंटू कॉस 7 माइनस 1 6 बाय 2 3x है ना, और प्लस का 2 5 प्लस 3 हमारे पास यह आ गया साइन 4x और cos 5 माइनस 3 2 बाई 2 इज 1 cos x, यहां कॉमन आ रहा है 2 साइन 4x, ब्रैकेट में आ गया cos 3x प्लस का cos x। अब यहां पे आ गया cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 साइन 4x, यहाँ पे आ गया 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2, तो हो गया 2 इंटू में 2 4, उसके बाद यह हैगा साइन 4x और कॉस 2x एन टू कॉस एक्स। इसको आंसर के हिसाब से अरेंज कर दो, पहले कॉस एक्स लिखा है फिर कॉस 2x फिर साइन 4x, तो इसको लिख लेते हैं 4 पहले कॉस एक्स देन कॉस 2x उसके बाद साइन 4x, और ये हमारा इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।